जरीपटका परिसर में अधेड़ उम्र के व्यक्ति को छह युवकों द्वारा किडनैप कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित छह युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले में आरोपी पर हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज है। जरीपटका परिसर में रहने वाले लखन वाड़वे ने अपने पांच दोस्तों के साथ मिलकर 56 वर्षीय रोशन अंबादी नाम के व्यक्ति को किडनैप कर 5 लाख की फिरौती की मांग की है। फिरियादी रोशन ने इस मामले में जरीपटका पुलिस में मामला दर्ज किया है। बता दें कि आरोपी ने रोशन को घर से उठाकर अपने घर के पीछे वाले खंडर जैसे रूम में ले जाकर दिन भर मारा और जिसके बाद 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। पैसे न होने की बात कहने पर 3 दिन में 50,000 रुपए देने की शर्त पर रोशन को छोड़ दिया, जिसके बाद रोशन ने जरीपटका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में लखन वाड़वे, आदित्य वाड़वे, अमन टिटो, इम्मू और यूनुस खान को गिरफ्तार किया है। पोलीस स्टेशन जरीपटका इथे फिरियादी नामे रोशन आममध्ये राहणार न्यू इंदोरा बालाकोली यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन माहिती दिली की दिनांक 24/7/2024 रोजी दुपारी 12 वाजता त्यांना एक फोन आला आणि फोनवर लखन वाडवे बोलत आहे असं म्हणून सांगितले। तर मी मर्डरचा आरोपी आहे, तुम्हाला ओळखत नाही का असं म्हणून त्याने त्याला बोलवून घेतलं, परंतु तो गेला नाही, तो कारण की ओळखत नव्हता पहिले। त्यानंतर लखन वाडवेने दोन इसमांना पाठवले आणि त्याला जबरदस्ती घेऊन आले आंबा फिर्यादीला, रोशन आंबादीला। त्यानंतर एका अज्ञातस्थळी घेऊन जाऊन दुपारी 12 पासून ते सायंकाळी 5-6 वाजेपर्यंत त्याला खूप मारहाण केली लखन वाडवे आणि त्याच्या इतर 7-8 साथीदारांनी। लखन वाडवेचं घर आहे, त्याच्या मागच खंडर रूम आहे, त्या रूममध्ये घेऊन गेले होते त्याचे 7-8 दोस्त सोबत, त्यांनी घेऊन गेले आणि दिवसभर मारले आणि 5 लाख रुपये मागितले। तर फिर्यादी बोलला की 5 लाख रुपये माझ्यापाशी नाही येत इतके पैसे, तर मग त्यांनी तडजोडी आणती 50,000 रुपये 3 दिवसात दे नाहीतर तुला आम्ही जीवानीची ठार मारू असं म्हणून सोडून दिले। अशा फिर्यादीच्या रिपोर्टवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। त्यापैकी 5 आरोपी अटक करण्यात आहेत, एक ज्युएनआर आरोपी आहे, त्याची कायदेशीर कारवाई करत आहोत। इतर 3 आरोपीचा तपास पथकाला 3 अंमलदार तसेच पोलिटिशियनचे बाकी पोलीस तपास करत आहेत। मामले में सभी आरोपी 20 से 25 वर्ष के उम्र के हैं। इतनी छोटी उम्र में इस तरह के अपराध को अंजाम देना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जरूरत है कि पुलिस विभाग मामले को गंभीरता से लेकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करे ताकि सभी आरोपी अपराध जगत से दूर रहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है, देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।